देश में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 450 के करीब पहुंच चुकी है। कुल 23 राज्यों में कोरोना ने पैर पसार लिए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है, कुल 85 से ज्यादा लोग कोरोना यहां पॉजिटिव पाए गए। केरल में कोरोना पीड़ितों की बढ़ी है संख्या, अब तक 35 से ज्यादा मामले कोरोना के केरल में। कोरोना की वजह से देश के 22 राज्यों के 75 जिले लॉकडाउन है। सीएम योगी ने यूपी के 16 जिले में आज से 25 मार्च तक किया लॉकडाउन का ऐलान। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद में लॉकडाउन लागू। यूपी के सहारनपुर, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, गोरखपुर, अलीगढ़, पीलीभीत में आज से 25 मार्च तक लॉकडाउन। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम जिले में लॉकडाउन। पंजाब में 31 मार्च तक लॉकडाउन, पंजाब में धारा 144 लागू। दिल्ली में आज से 31 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद, घरेलू उड़ानों पर पाबंदी नहीं। साथ ही आज से सभी धार्मिक स्थल बंद, सिर्फ जरूरत की दुकानें रहेंगी खुली। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच खुली रहेंगी मेडिकल, सब्जी, राशन और दूध की दुकानें। अस्पताल और बिजली के दफ्तर खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट में होगी सिर्फ होम डिलीवरी, 5,000 लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही। कोरोना वायरस के खतरे के बीच सुप्रीम कोर्ट अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों का करेगी निपटारा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ही वकीलों की होगी जिरह। कोरोना के कहर के बीच बजट सत्र होगा छोटा। सूत्रों के मुताबिक दोनों सदनों में वित्त विधेयक के पारित होते ही खत्म कर दिया जाएगा बजट सत्र। पहले 3 अप्रैल को खत्म होना था बजट सत्र। सूत्रों के मुताबिक अब 31 मार्च से पहले बजट पेश कर इसे किया जा सकता है समाप्त।